हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ही 32 इंच का सिग्नेट कंपनी का एलईडी आया हुआ है। इसका प्रॉब्लम था कि ये अब देख पा रहे हैं, ये यहाँ से पूरा जल गया था, जिसकी वजह से हमारा इस कॉइल पे 5 वोल्ट नहीं बन रहा था, 5 वोल्ट नहीं बन रहा था। और ये हमारी जो 1, 2, 3, 4, 5 ये फिल्टर भी फुले हुए थे, तो ये हमने दूसरे लगा दिए हैं और 5 वोल्ट यहाँ से जल गए हैं। तो ये सप्लाई 5 वोल्ट के लिए हमने यहाँ प्रिंट पुट जल गई थी, इसलिए ये हमारा रेगुलेटर काम नहीं कर रहा था। इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो मार्केट में मल्टीवोल्ट मॉड्यूल आता है, इसमें हमने 5 वोल्ट सेट करके इस कॉइल पे दे दिए और 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से लिए, ग्राउंड यहाँ से लिए। 5 वोल्ट देने के बाद में हमारा ये स्टैंड बाई लाइट रहता है, ये चालू तो हो गया था लेकिन स्टैंड बाई रिलीज नहीं रहा था। तो ये यहाँ पे जो इस मेन आईसी को पल्स सिग्नल जो जाते हैं, वो सिग्नल के 2 प्रिंट यहाँ जल जाने से ब्रेक हो गए थे। तो काफ़ी मशक्कत करने के बाद में हमें ये 2 प्रिंट मिली, ये देख पाएंगे आप। ये मिली हमको प्रिंट, तो ये हमने यहाँ से एक जम्पर वायर लेके ये एक यहाँ लगा दिए और एक जम्पर वायर उठा के दूसरी प्रिंट का हमने यहाँ लगा दिए। यहाँ लगाने के बाद में हमारा टीवी ओके हो गया। तो दोस्तों, कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम क्या सोचते हैं कि अरे पूरा जल गया, ये नहीं बनेगा, उस बोर्ड को फेंक के हम दूसरा नया बोर्ड डाल देते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो फाइंड आउट करने के बाद में भी अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम नया बोर्ड डाल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत हम करते हैं तो हमको नया बोर्ड डालना नहीं पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, इसे हम चालू करेंगे। देखिएगा दोस्तों, हमारा स्टैंड बाई लाइट जल गई है। तो इसे हम पावर की मदद से स्टैंड बाई लाइट और रिलीज हो गए। वो भी देख पाएंगे आप, हमारे बैक लाइट भी जल गए। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऐसे अगर कोई फॉल्ट आता है तो हमको सिर्फ बार का ही सही चेक करना है और स्टेप बाय स्टेप जाके बोर्ड के सप्लाई और सिग्नल्स को देखना है। तो हमको बोर्ड बदलने की नौबत नहीं आएंगी, नहीं तो इस छोटे से प्रॉब्लम की वजह से हमको ये पूरा बोर्ड फेंकना पड़ा रहता और नया बोर्ड डालना पड़ा रहता। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन 90% बोर्ड बन जाते हैं और हमने काफ़ी सारे बोर्ड बनाए हैं, थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई हम ऐसे नए नए वीडियोस लाएंगे तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।